हेलो एवरीवन आई एम रमेश निषाद एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिपसा एंड अभिप्सा टीम और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 प्लस इम्पोर्टेंट एम इसके इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था 20 इम्पोर्टेंट एम जो कि एग्जाम में आते रहते हैं और इस बार एग्जाम में आने की भी बहुत ज्यादा संभावना है और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एम तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि यदि आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को यदि आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप जाकर के देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाई पूल रिवाइव्ड वयम सी पुल है वो किन चीजों को याद दिलाते हैं तो ऑप्शन ए दिया है प्लीजेंट मेमोरीज ऑप्शन बी दिया है स्ट्रीट फियर ऑप्शन सी दिया है अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड ऑप्शन डी दिया है चाइल्ड हिज मेमोरी सो विच विल बी द करेक्ट आंसर सो अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई ब्लैंक विथ माई न्यू वॉटर विंग्स यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा ऑप्शन ए दिया है पैडल्ड ऑप्शन बी दिया है स्विम ऑप्शन सी दिया है एयर विंग्स एंड ऑप्शन डी दिया है फेयर तो जो राइटर uh, है वो बताते हैं कि वो वाटर विंग्स से क्या करते थे तो वो क्या करते थे पैडल करते थे तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नरेटर वेंट टू द पुल वेन द प्लेस वॉज नरेटर जो है वो पुल गए थे जब प्लेस था वहां का जो स्थान था वो कैसा था ऑप्शन ए दिया है क्वाइट ऑप्शन बी दिया है क्लोज ऑप्शन सी दिया है ऑप्शन क्राउड प्लेस था क्वाइट था एकदम शांत था नाउ लेट सी इज वॉज ब्लैंक वोज एज वाइट एंड क्लीन जो uh, क्या था जो वाइट था और एकदम क्लीन था तो ऑप्शन ए दिया है पूल, ऑप्शन बी दिया है वॉटर ऑप्शन सी दिया है टाइल बॉटम एंड ऑप्शन डी दिया है द प्लेस सो विल बी द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन सी द टाइल बॉटम टाइल जो बॉटम था वाइट एंड क्लीन नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमल वुड क्वेश्चन जो लिटिल फ्रेंच है वो बत, वो कहता है कि एम हेमल जो है वो हमें क्वेश्चन करेंगे किस पर किस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शन ए दिया है फ्रेंच ऑप्शन बी दिया है पार्टिसिपल्स ऑप्शन सी दिया है ग्रामर एंड ऑप्शन डी दिया है इंग्लिश सो विच विल द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन बी यानी पार्टिसिपल इज द करेक्ट आंसर पार्टिसिपल इट मींस कृदंत तो ये

इसके बारे में नहीं जानता था पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानते थे नहीं जानता था तो ये होता है पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स जैसे हिंदी में हम क्या है? कहते हैं कृदंत कहते हैं नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन द डे वाज सो जो डे था वो कैसा था ऑप्शन ए दिया है ब्राइट ऑप्शन बी दिया है डार्क ऑप्शन सी दिया है कूल एंड ऑप्शन डी दिया है ब्राइट एंड कूल सो व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए

के पीछे वो क्या कर रहे थे ड्रिलिंग कर रहे थे कौन प्रस सोल्जर्स नाउ लेट द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीन टू यंग मैन प्लेइंग ने क्या देखा दो यंग लड़कों को खेलते हुए क्या खेलते हुए कौन सा गेम खेलते हुए तो ऑप्शन ए दिया है क्रिकेट ऑप्शन बी दिया है फुटबॉल ऑप्शन सी दिया है टेनिस एंड ऑप्शन डी दिया है हॉकी सो विच विल बी द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन सी टेनिस जो दो यंग लड़के थे वो क्या खेल रहे थे टेनिस खेल रहे थे दिया है स्टूडेंट ऑप्शन बी दिया रैक पिकर ऑप्शन सी दियार ऑप्शन डी दिया है ओल्ड में तो वो क्या था तो so, साहेब था वो क्या था रैक पिकर था तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर रैक पिकर इट मीन जो रैक पिकिंग का काम करता है इट मींस जो कूड़े कचरे में जो भी काम की चीजें हैं उसको वो बिनता है और बिनने के बाद उन चीजों को बेच करके क्या करता है अपना जीवन यापन करता है तो ये होता है रैक पिकिंग का काम तो वो क्या था रैक पिकर था नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड साहब अर्न फ्रॉम टी स्टॉल अब वो रैक पिकिंग का काम जो है उसको छोड़ करके वो कहाँ चला जाता है टी स्टॉल में वो काम करने लग जाता है तो उसको कितना पैसा मिलता है तो ऑप्शन ए दिया है फाइव हंड्रेड रुपीज ऑप्शन है, 800 रुपीस, सीधा है 1, रुपीस, साथ में क्या मिलता था खाने पीने की खाने पीने के लिए उनको उसको खाना भी मिलता था तो ये हो गया हमारा आंसर नाउलेट सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज देज सोल्जर्स उनके सोल्जर में कंधे में क्या था ऑप्शन ए दिया है कैनिस्टर ऑप्शन बी दिया है अ अ अ बैग बैग ऑप्शन ऑप्शन सी दिया दिया है है बॉक्स एंड एंड डी स्टील कैनिस्टर तो उसके पास क्या था उसके पास एक स्टील कैनिस्टर था और बैग था ये दो चीजें नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट वॉन्ट्स नो ट्रक विथ ऑप्शन ए दिया है साइलेंस ऑप्शन बी दिया है डेथ ऑप्शन सी दिया है मूविंग एंड ऑप्शन डी दिया है नथिंग तो कौन सा आंसर सही होगा

वास्ट का मीनिंग क्या है ऑप्शन ए दिया है ह्यूज, ऑप्शन बी दिया है इन एक्टिविटी ऑप्शन सी दिया है साइलेंस एंड ऑप्शन डी डेथ सो वास्ट का मीनिंग क्या है तो वास्ट का मीनिंग है ह्यूज, बड़ा बहुत बड़ा नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट आस्ट टू काउंट ट्वेल्व जो पॉइंट है वो हमें कहते हैं बारह तक गिनने के लिए क्यों जब हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए या कोई भी रीजन है ठीक है तो बारह तक गिनने के लिए क्यों कहते हैं ऑप्शन ए दिया है देर आर ओनली ट्वेल्व आवर साइंस ऑप्शन बी दिया है दीज आर ओनली एट आवर साइंस ऑप्शन सी दिया है दीज आर ओनली इलेवन आवर साइंस एंड ऑप्शन डी दिया है दीज आर ओनली ट्वेल्व आवर साइंस तो अपने जो क्रोध है उसको भी कंट्रोल करने के लिए अब आप, आप क्या कर सकते हैं गिनती गिनी आपको जब भी कभी गुस्सा आता है ना तो गुस्सा को कंट्रोल करना है आप एक से लेकर के बारह तक या एक से लेकर के दस तक गिनती गिनिए आपका जो गुस्सा है वो भी शांत हो जाएगा तो ऐसा है तो जो पॉइंट है वो ट्वेल्व तक काउंट करने के लिए क्यों कहते हैं क्यों दीज आर ओनली ट्वेल्व आवर साइंस यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी तो अपने क्रोध पे गुस्सा अपने क्रोध पे काबू पाने का भी बहुत अच्छा उपाय है कि जब कभी भी आपको गुस्सा आए आप क्या करना उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करना दस से लेकर के एक तक या बारह से लेकर के एक तक या एक से लेकर के बारह तक आप बिल्कुल शांत हो जाओगे बहुत अच्छा उपाय है नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड नीड एक्सक्यूजेस टू फाइट दुनिया के जो लोग हैं उनको आवश्यकता है एक्सक्यूजेस के लिए टू फाइट किन से फाइट करने के लिए अमंग हिम सेल्फ ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज अमंगस ऑप्शन सी इज अमंग योर सेल्फ एंड ऑप्शन डी इज अमंगल्फ सो विच विल बी द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन बी यानी अमंगल्व जी यानी जो लोग हैं दुनिया के जो लोग हैं उनको एक्सक्यूज की आवश्यकता है टू फाइट दे एम सेल्फ्स ओके

जो कवित्री है वो कहती है कि वो फिर से अपनी माँ को जब वो देखती है तो उन्हें क्या लगता है लेट विंटर्स किसकी तरह सन की तरह ऑप्शन ए ऑप्शन बी अर्थ ऑप्शन सी विनस एंड ऑप्शन डी मून तो उन्हें कैसा लगता है लेट विंटर्स मून यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मून नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई मदर्स फीस आज एन लाइक दैट ऑफ ब्लैंक उनकी जो माँ है उनकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा दिखाई देता है ऑप्शन ए इज कॉप्स ऑप्शन बी इज अ लॉक ऑप्शन सी इज अ पिलर ऑप्शन डी इज अ व तो किसकी तरह एक कॉप्स की तरह एक सौ की भांति दिखाई देता है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज आई यूज टू कॉल माई मदर मैं अपनी माँ को क्या कह करके पुकारा करती करती हूँ ऐसा जो कविता है वो कह रही है तो ऑप्शन ए इज मम्मी ऑप्शन बी इज अम्मा ऑप्शन सी इज मदर एंड ऑप्शन डी इज अम्मी सो विच द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अम्मा तो जो कवित्री है वो अपनी माँ को अम्मा कह करके वो पुकारती है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वैसे हर कोई अपनी माँ को अलग अलग नामों से बुलाते हैं जैसे कोई अम्मा कोई मम्मी कोई मम्मा कोई मदर ठीक है जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो हम अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी माँ को महतारी कह करके पुकारते हैं सो so, इस तरह से आज हमने 20 प्लस यानी 22 टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कम्प्लीट कर लिए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये आठ नंबर्स के आते हैं चार नंबर्स के आपके पोस से और चार नंबर के आपके पोइट्री से सो so, आज मैंने आपके आठ नंबर की तैयारी करा दी है आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा और इसके लिए आप जो है इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करिए क्योंकि आगे जो इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद